उसकी मदर ने मुझे बताया, जो उसके भाई ने मुझे बताया, ऐसे हो गए। लेकिन अभी तथ्य तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मैं सपोर्ट कर रही हूँ ना, तो उसी आधार पे आप भी कीजिए। राजस्थान तो नहीं जाती सपोर्ट, सुन लीजिए, यूपी में बहुत। नहीं नहीं नहीं, अभी मैं यूपी में हूँ तो यूपी में रहूंगी, अगर राजस्थान में ऐसी घटना होगी और कार्रवाई न हो तो मैं राजस्थान जाऊंगी। कैसी बात करो, कार्रवाई सुनिए, कार्रवाई नहीं होती। सुन, हाँ बिल्कुल, मुझे रिपोर्ट दीजिएगा। आप कैसे नहीं बताते हो ये बातें कि आप राजस्थान क्यों नहीं जाती हो अपनी सरकार में? आपका हक है मुझसे कहने का कि आपकी सरकार है, आप वहाँ जाइए। अरे बेटी का बलात्कार हो रहा, आपने तो एक भी रिपोर्ट नहीं दी। नहीं आपने, नहीं आपने मुझे एक भी रिपोर्ट नहीं दी, बिल्कुल नहीं। आपने एक भी रिपोर्ट मुझे नहीं दी राजस्थान की। आप बता दीजिए कैमरे के सामने हो कि आपने एक भी रिपोर्ट दी है। क्यों राहुल गांधी विरोध कर रही है आप आज किसकी बात का? राजस्थान के जाते हैं, सुन लीजिए, प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी को बिल्कुल वहां पर जाना चाहिए, और वो नहीं गए। मैं इस बात का भी पता लगाऊंगी, नहीं क्यों नहीं गए, अगर गलत बेस पे वो नहीं गए सरकार की वजह से, तो बिल्कुल मैं आने वाले समय में इस बात का विरोध भी करूंगी, क्योंकि उनको जाना चाहिए। अभी मुझे पता चला कि वो यहाँ है नहीं। सुन लीजिए, मैं उनकी सरकार का वहाँ पे इस बात, सुन लीजिए बिल्कुल उन्हें वहाँ भी जाना चाहिए था, लेकिन अभी इस चीज पे मैं पता करूंगी कि कार्रवाई हुई है कि नहीं हुई है। अगर कार्रवाई हुई है तो वहाँ आपके जैसे मेरे जैसे क्या फायदा, अगर नहीं हुई है तो मैं भी जाऊंगी, आप भी जाइएगा, उनको भी जाना चाहिए। कार्रवाई होती तो अपराध दिन पे दिन बढ़ते क्या राजस्थान? अभी आप ये मुझे, अभी आप मुझे क्लियर करके ये बताइए, कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? हुई कि नहीं हुई? इतना बड़ा आंदोलन हुई कि नहीं हुई? तो गिरफ्तारी, सुने, आंदोलन किया ना, आंदोलन किसने किया अभी बताइए? सिर्फ दलितों ने किया? आप वो जो भाई आंदोलन कर रहे थे वो कौन थे जरा पूछना उनको? वो भी कांग्रेस परिवार से थे, ऐसा नहीं है? कांग्रेस जो वो जो एक भाई थे वहाँ पे, वो कांग्रेस परिवार से थे, मैंने उनका फोटो देखा हुआ है। हाँ जी, तो लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगी कि कांग्रेस की वहां सरकार है तो वहां नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अगर नहीं होगी कार्रवाई तो मैं भी वहां जाऊंगी, आप भी जाइएगा। आपने तो आज तक मुझे कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं दी राजस्थान की। कहते हैं बीजेपी से ज्यादा अगर दलितों पर अत्याचार करा तो कांग्रेस ने करा है। मैंने किया क्या? आप मुझे बताइए, मैंने किया क्या? राय है मेरी, सुनिए, मैं पार्टी में हूँ बिल्कुल। अगर इस तरीके की बात है तो आप रिकॉर्ड निकलवा लीजिए ना, अगर रिकॉर्ड निकलवा करके चीजें ये सब साबित होगी कि हाँ ऐसा किया, तो तब मैं बोलती अच्छी लगूंगी ना किसी भी पार्टी के बारे में। अब मुझे पता है हाथरस कांड का, मुझे उन्नाव का भी पता है, मुझे लखीमपुर का भी पता है, मुझे उत्तर प्रदेश का पता है, मुझे हरियाणा में इतना वो हो रहा था सिस्टम, उसका भी पता है। सुन लीजिए राजस्थान सरकार का, सुन लीजिए दलितों की, जब डीसीएम के पीछे उनको ले जाया जा रहा था और उनको चोट मारी गई थी, और जब भी मैं कांग्रेस में थी और मैंने यहीं से एक भाई ने मुझसे सवाल करा, मैंने बोला कि आ रही हो बहुत जल्दी राजस्थान में और बिल्कुल कार्रवाई नहीं हो रही है, होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट डे मुझे नहीं पता, परमात्मा की कृपा मान लो कार्रवाई होगी, गिरफ्तार हो गए, फिर मैं राजस्थान जाके क्या करती? अब आपने मुझे बताया, अब जैसे ही आपने मुझे बताया, अब मैं उस चीज पे बात करूंगी, पता करूंगी, अगर नहीं कार्रवाई होती तो राजस्थान में आपको मिलूंगी। ठीक है, मेरा ये है सीधा। नेपाल का आपने सुना नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं सुना, ये बात मुझे आप ही ने बताई, मैंने आपको बताया मेरी फैमिली में कुछ दिक्कत हो गई है, मैं तकरीबन 8-10 दिन से मीडिया से भी दूर हूँ। जो अभी मैं आई हुई हूँ नोएडा में, ये लोग रहने वाले बुलंदशहर के हैं, इनकी 17 साल की बेटी थी और 8वीं मंजिल से उसकी जो कुदा के हत्या कर दी, जो इन्होंने मुझे बताया, उन्होंने ये भी बताया कि बलात्कार हुआ। और मैं मेरठ थी आज, और जैसे ही इनका मुझे फ़ोन आया मैं तुरंत 2 घंटे के अंदर आ गई। अभी इन्होंने जो है, जो यहाँ पे वो है अधिकारी महिला, उन्होंने बोला है कि 2 दिन का हमें समय दीजिए। अभी मेरी संज्ञान में तो ये मैटर सुबह ही आया, तो सुबह आया तो हम आ गए सपोर्ट करने के लिए। हमारे लिए ये सब चीज़ें नहीं कि मतलब वो दलित है तो मैं उसकी सपोर्ट ना करूं, या वो स्वर्ण है तो मैं उसकी ना करूं, या वो पिछड़े वर्ग से तो मैं उनकी ना करूं। मेरे लिए ऐसा नहीं है, मेरे लिए मुझे पता चले एक बेटी के साथ ऐसा हुआ तो मैं तुरंत आई। अभी 2 दिन का समय पूरा मांगा है कि 2 दिन का हमें समय दीजिए और इन्वेस्टिगेशन करके, और बाकी उन्होंने बताया कि 9 दिन से इस चीज़ पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, FIR हो गई, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन 2 दिन का जो समय है उन्होंने मांगा है। अगर वो 2 दिन के समय में कार्रवाई नहीं करते हैं तो यही धरना होगा। अच्छा, यही धरना? बिल्कुल धरना होगा, क्योंकि अब सीख गए ना धरने के नियम, धरने के कानून कायदे, है ना, और हक के लिए लड़ना सीख गए, और सीखना भी चाहिए मेरे हिसाब से, हर बेटी को लड़ना चाहिए। तो बिल्कुल यही धरना होगा, उसकी माँ तो आज भी नहीं उठ रही थी। राजस्थान की घटना कैसे देख रहे हो? दलित ने मूंछ रख ली तो उसे हत्या कर दी, कि तुम मूंछ नहीं रख सकते? देखिए बिल्कुल ये बात गलत है, ये इंसान का खुद का जीवन है कि वो मूछ रखे ना रखे, बाल रखे ना रखे, ये उसका खुद के निजी विचार है। तो फिर हमारा जो संविधान है फिर वो कहाँ रह जाता है? अगर ये वाली घटना जो है, मैं बिल्कुल बोलूँगी कि सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करी जावे और उनके खिलाफ पूरी होने, हत्या हो गई ना, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। देखिए मैं, इंद्र मेघवाल का आपने सुना होगा? हाँ, सुनिए, मैंने इस वाले मैटर की मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन आप बता रहे मेरे लिए वही बहुत है। ठीक, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, वो जेल जाने चाहिए, उन्हें सजा होनी चाहिए। पर आपकी
सरकार है राजस्थान में, बिल्कुल बेशक है, तो सरकार से क्या मतलब है, इंसान भी तो वो हमारे अपने हैं ना, तो उनकी सरकार में अगर सरकार है, आप लोगों ने कोई आंदोलन नहीं, देखिए अभी मैं बिल्कुल अभी आपसे मिली हूँ, आपने मुझे तुरंत बताया और बिल्कुल कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और अभी मैं पता भी करवाऊंगी कि वो जेल गए कि नहीं गए, अगर नहीं गए तो हम राजस्थान मिलते हैं आपसे। इतने दिन हो गए पूरी घटना को, पूरा बवाल मचा हुआ, ना प्रियंका गांधी ना राहुल गांधी, कोई नजर ही नहीं आ रहा। देखिए मैं मुझे जो पता चला, मुझे तो अभी बिल्कुल आपने बताया ये बात आपको भी पता, क्योंकि मेरे थोड़ा सा घर में कुछ दिक्कत हो गई है, तो इसलिए मैं अलग हूँ मीडिया से, आप भी देख रहे हैं मैं मीडिया से अलग हूँ, आप लोगों से मिल नहीं पा रही हूँ। जैसे ही आपने मुझे तुरंत बताया अब मैं बिल्कुल बोलूँगी राजस्थान सरकार से, अशोक गहलोत जी से बोलूँगी कि सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए, क्योंकि ये बातें हमने आप जैसे बड़े लोगों से ही सीखी है, आप जैसे उम्रदराज लोगों से सीखी है कि हक के लिए लड़ना चाहिए और जो हमारा संविधान जो कहता है हमें उसके आधार पर काम करना चाहिए, यही तो दुआई देते हैं। तो बिल्कुल मैं उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूँ, और नहीं तो फिर आती हूँ राजस्थान मिलती हूँ। दलित मूंछ नहीं रख सकता, क्यों नहीं रख सकता भाई, किसने मना करी, हमने करी है, नहीं क्यों नहीं पहन सकता, क्यों नहीं पहन सकता, तो क्यों तो ये लोगों की ये मेंटेलिटी को आप कहां ले जाओगे, यही चीज तो हमें सुधारनी है। ये चीज कब सुधरेगी, जब उन पर कार्रवाई होगी, फिर और चार देखेंगे कि भाई दुनिया आजादी से रहने के हक है ना हर किसी को, चाहे वो दलित हो, चाहे वो स्वर्ण हो, चाहे वो पिछड़ा हो, कोई भी हो, ओबीसी हो, कोई भी हो। कहते हैं कि बीजेपी सरकार में ज्यादा अत्याचार होते हैं दलितों पर, लेकिन यहाँ तो कांग्रेस की सरकार है। देखिए बिल्कुल मैं इस बात के लिए बिल्कुल गलत बोलूंगी कि हाँ बिल्कुल गलत हुआ जो हुआ, लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं, यहाँ पे अभी आपने सुना होगा उनका बयान क्या था कि हमें पुलिस ने ऐसे भगाया। अगर इस तरीके की घटना राजस्थान सरकार में होती है तो मैं बिल्कुल वहाँ पे भी जाऊंगी, बिल्कुल, क्योंकि मेरा काम है सही को सपोर्ट करने का, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं हुआ, यहाँ उल्टा सिस्टम, यहाँ जिन पे अत्याचार हुआ उन्हीं को पुलिस भगा रही है, ये देखिए ना। आपके भी कई वीडियो में मैंने सुना है आपने कहा कि अब जातिवाद देश से खत्म हो गया, आपको लगता है जातिवाद खत्म? देखिए बिल्कुल भी नहीं, मुझे और आने वाली मेरी पीढ़ी को भी कई जन्म लेने पड़ेंगे जो लोग खत्म हुए, क्योंकि इन चीज़ों पर मेहनत अगर आप और हम सब मिलकर करेंगे जातिवाद खत्म होने पर, तो ये ऐसा नहीं है दो चार साल में ही चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि कुछ ऐसे माइंड के लोग हैं, कुछ संघी हैं, तो इन सब चीज़ों का जो प्रभाव है बहुत ज़्यादा है, और अभी हम लोग नए हैं या मैटर में आपको भी पता, हमें लोगों को समझाने में समय लगेगा। आज की मानसिकता बदल नहीं रही है? देखिए थोड़ी थोड़ी बदल रही है, ऐसा नहीं है नहीं बदल रही है, बदल रही है थोड़ी थोड़ी, लेकिन वो पूरी बदलनी चाहिए। जैसे आप बात करते हो कि हमें संविधान में हम भी आते हैं, तो उसी बेस पर बात करनी चाहिए, इस देश में हम भी आते हैं, हमारे लिए भी कायदे कानून इतने हैं, दूसरे के लिए भी इतने हैं, तो ये बात होनी चाहिए। अभी बदल रही है लेकिन थोड़ी थोड़ी बदल रही है। देखिए यूपी कासगंज से खबर आती है कि घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया एक दलित को, तो ये बात सुनिए, आपने मुझे राजस्थान की बताई, मैंने आपको तुरंत उस पर जवाब दिया, अभी कासगंज उत्तर प्रदेश में आता है, तो इस चीज़ की जो वहाँ का प्रशासन है, वहाँ की जो पुलिस है, वहाँ का जो सिस्टम है वो क्या कर रहा है, अब ये भी तो बताइए, वहाँ पे कार्रवाई नहीं होती है तो आप मुझे बताइए राजस्थान में, क्योंकि आपका पहला सवाल यही था कि वहाँ आपकी सरकार है ना, जो लोग बदलने की बात करते हैं, लगता तो नहीं है जब नहीं, ऐसा नहीं है। देखो आप भी ऐसी जगह रहे हो तो जहाँ स्वर्ण रहे हैं, हम भी रहे हैं जहाँ हमारे यहाँ पे भी गाँव में सभी बरादरी के रहे हैं, लोगों की सोच बदल रही है। हमारे यहाँ पे पहले बहुत पहले, जैसे मैं सुनती हूँ, मुझे नहीं जानकारी, मैं सुनती हूँ जैसे कि बहुत पहले क्या था, अलग अलग थे शमशान दोनों के, अभी भी बहुत नहीं, अलग अलग, लेकिन चीजें बदल रही हैं, मैं वही आपको बता रही हूँ, अब नहीं है एक है। अभी दो साल पहले नहीं देखा दबंगों ने कि एक दलित की युवती की लाश को नहीं जलने दिया? देखिए चीजें, मैंने ये बोला कि बिल्कुल खत्म हो गई ये नहीं बोला, मैंने ये बोला बदल रही हैं। तो जैसे हमारे गांव समाज की प्रगति बदली, नहीं बदल रही है ये मत बोलिए, हमारे गांव में लोगों की सोच बदली, लोगों ने देखा भाई सबके लिए एक है चीज़ें जो पुरानी चली आ रही है तो उसको खत्म करो, तो ऐसे अब हमारे गाँव से बात निकली, लोग देखेंगे बहुत सारे जने आपके चैनल के माध्यम से, तो मैं चाहती हूँ कि सब एक है, सब ऐसे ही नियम और कानून बनाए जो सबके लिए बराबर है, जैसे आप सभी के लिए बराबर है, हमारे लिए बराबर है, जैसे हमारे यहाँ पे हुआ आप भी करें, क्योंकि वो सब हमारे अपने लोग हैं, कोई बाहर के नहीं है। नहीं, कानून तो सबको बराबर का अधिकार देता है ना, लेकिन ये लोग नहीं मानते हैं। कुछ प्रगति के लोग हैं, उसमें मेरी गलती बताओ ना, मैंने थोड़ी ऐसा कर दिया, नहीं मेरा काम है उस चीज को बदलना, लोगों को जागरूक करना, जितने लोग देख रहे हैं वो जागरूक हो, आपके टच में वो हो, मेरे टच में वो जागरूक हो, हमारा काम है उजागर करना, लोगों को जागरूक करना। दलित इंसान नहीं होता? क्यों नहीं होता, मैंने मना करा क्या भाई जी? मैंने अगर मेरी नजरों में इंसान नहीं होता तो मैं मेरठ से यहाँ पर नहीं आती बुलंदशहर आई, और मुझे पता चला एक बेटी है, हालांकि मुझे फोन पर यह बताया गया था कि वो जाटव समाज की बेटी है, और पूनम जी आप आ जाइए, मैंने कहा भाई जी आप, मैंने आपसे पूछा कि वो किस समाज के, मैंने तो नहीं पूछा, आपने मुझे बता दिया कि वो बेटी है, उसके साथ ऐसा हुआ, तो भाई मुझे दो घंटे लग रहे आने में, आ रही हूँ, आई हूँ ना, और आने वाले दो दिन के बाद भी यहीं आऊंगी, आप भी आइएगा जरूर सपोर्ट करने के लिए, आपके परिवार की और आपके समाज की, आपके देश की बेटी है।